अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड, ज्ञान बड़ा है सदियां बीती, वेद अनोखे नाड़ी देखे, जड़ियां पत्ते फूल खिसते, छाल छाल से रस को रसते, ज्वर दर्द पीड़ा रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आप इस कार्यक्रम में लगातार जड़ी बूटी के महत्व के बारे में सुन व समझ रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार का प्रयास है कि जड़ी बूटी से राज्य के किसान जुड़ें व इससे अपनी आजीविका कमाएं। प्यारे श्रोताओं, अब सवाल यह है कि हमारे किसान कैसे जड़ी बूटियों से अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं, और इसका सीधा सा उत्तर है कि हमारे किसानों को जड़ी बूटियों एवं औषधीय पादपों की खेती करनी चाहिए। और जड़ी बूटियों का कृषिकरण एवं खेती कैसे करें, इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ से कार्यक्रम के अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले सुनते हैं मनोरंजन एवं जानकारियों से भरपूर रेडियो नाटिका। दादी, आज रामलीला में क्या दिखाएंगे? अरे श्यामू बेटे, आज लक्ष्मण शक्ति का दृश्य है। लक्ष्मण शक्ति का क्या मतलब दादी? ले, तेरी बहन नीलू आ रही है, तू उसी से पूछ ले। ए नीलू, बता तो जरा इसे लक्ष्मण शक्ति के बारे में, तू तो 12वीं तक पढ़ी है, तुझे पता होगा, तू बता इसे। हाँ दादी, बताती हूँ। तुझे इतना भी नहीं पता श्यामू? नहीं पता, तभी तो तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ठीक से पूछ हाथ जोड़कर। दादी देखो, ये तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, आप ही बताओ। अरे नीलू, क्यों तंग कर रही है इसे, सीधे सीधे बताती क्यों नहीं है? चल बैठ, बताती हूँ। हाँ बताओ नीलू दीदी। रामचरितमानस में जब रावण ने सीता का हरण किया, तो राम ने सीता को छुड़ाने के लिए और रावण को पराजित करने के लिए युद्ध किया, ये तो तू जानता ही है ना श्यामू? हाँ हाँ दीदी, जानता हूँ। तब हुआ ये। तो भक्त जनों, देखो लक्ष्मण को शक्ति लगी है, वे मूर्छित हो रहे हैं, राम चिंतित हैं। भैया लक्ष्मण, क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर कैसे होश में आओगे? आप ही बताएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित संजीवनी बूटी ही इनको होश में ला सकती है। जाइए हनुमान, जाइए, शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी गया और अभी आया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी चले हिमालय की ओर, वहाँ जड़ी बूटियों का भंडार देखा। वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी ले जाएं। फिर क्या हुआ नीलू दीदी? जा पहले मेरे लिए एक गिलास पानी ला, तब बताऊंगी। ये क्या बताने का टिकट है? ये टिकट नहीं है, दक्षिणा है। चल छोड़, आगे बताती हूँ।
हनुमान जी ने संजीवनी बूटी वाले भूखंड को ही उखाड़कर अपनी हथेली पर रखा और वहां पहुंचे जहां लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। आगे हुआ ये। जय श्री राम। हनुमान जी भूखंड ले आए हैं। बैज जी, इसमें से संजीवनी बूटी के माध्यम से शीघ्र लक्ष्मण जी को सामान्य हालत में लाने की कृपा करें। ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं राम भक्त हनुमान आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूँ कि क्या इन जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है कि जो हर रोग का उपचार कर दे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, मैं संजीवनी बूटी लेता हूँ और लक्ष्मण जी को दे रहा हूँ। मैं उनको बूटी सुंघाऊंगा और कुछ देर बाद उनकी मूर्छा टूट जाएगी। फिर क्या हुआ नीलू दीदी? मैं ठीक बता रही हूँ ना दादी? हाँ, तू बिल्कुल ठीक बता रही है, अब आगे बता। हाँ, तो आगे ये हुआ कि लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई, वे पुनः स्वस्थ हो गए। राम जी ने उन्हें गले से लगा लिया। वैद्य जी को भी धन्यवाद दिया होगा ना नीलू दीदी? हाँ श्यामू, जरूर। उन्होंने हाथ जोड़कर वैद्य जी को धन्यवाद दिया। फिर क्या हुआ पता है? क्या हुआ? वैद्य जी ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से आग्रह किया कि वे हनुमान जी को कहें कि वह भूखंड वहीं रखाएं जहां से वे लाए हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां एक निश्चित तापक्रम और वातावरण में ही उगती हैं और पल्लवित पुष्पित होती हैं। तो हनुमान जी ने ऐसा ही किया होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही किया होगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति, पर्यावरण, वनस्पति, जड़ी बूटियाँ, जलवायु सब आपस में मिले जुले हैं। हमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन अपने सामूहिक परिवार के सदस्यों की तरह करना चाहिए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज के दिन व ठीक इसी वक्त सुन सकते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP, FRLHT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक ग्रामीण किसान किसी न किसी रूप से जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी रखता ही है, लेकिन जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों को रोजगार से जोड़ने के लिए इनका कृषिकरण अथवा खेती करना जरूरी हो जाता है। हिमालय के खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड की जलवायु जड़ी बूटियों की खेती के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। जहाँ सीमित भूमि में अगर जड़ी बूटियों की खेती की जाए तो किसान अपनी आजीविका सुधार सकता है। आइए हम इस विषय पर बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जड़ी बूटियों की खेती क्या है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। ये जो आपने प्रश्न किया है कि जड़ी बूटियों की खेती क्या है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी। दरअसल हमारे किसान परंपरागत रूप से बागवानी व अनाज उगाने के लिए खेती करते हैं, लेकिन जब भी जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों की खेती की बात आती थी तो इस हेतु वे प्राकृतिक रूप से उगने वाली जड़ी बूटियों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उन्हें इस बात की भी बहुत जानकारी नहीं थी कि जड़ी बूटियों व औषधीय पौधे कितने मूल्यवान हैं। लेकिन जब से उत्तराखंड की सरकार व अनेक केंद्रीय योजनाएं जड़ी बूटी व औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं,
तब से हमारे किसानों में भी जागरूकता आ गई है। आपने देखा ही होगा जी। आजकल किसान जो है ज्यादा औषधियां उगा रहे हैं जी, बिल्कुल। वे जड़ी बूटियां, सगंध व औषधीय पादपों की खेती के लिए आगे आ रहे हैं। आज कई किसानों की आजीविका सीधे तौर पर इससे जुड़ गई है। डॉक्टर साहब, अगर कोई परंपरागत कृषक जड़ी बूटी की खेती करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जड़ी बूटियां, सगंध व औषधीय पादपों की खेती के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि किसान को अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए जी। और विशेषज्ञों से पता करना चाहिए कि उनके गांव की मिट्टी, जलवायु अथवा प्राकृतिक वातावरण क्या जड़ी बूटियां, सगंध व औषधीय पादपों की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं, या वे किस प्रकार के पादपों की खेती कर सकते हैं। वैसे मैं जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड का कोई भी इलाका, चाहे वो तराई हो या मैदानी हो, मध्य हिमालय हो या उच्च हिमालय क्षेत्र, सभी किसी न किसी प्रकार की जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों की खेती के लिए अनुकूल है। इसीलिए हमारे किसान इस बात की कतई चिंता ना करें कि वे जड़ी बूटियों की खेती नहीं कर सकते। कई किसानों ने उसकी शुरुआत कर दी है। अतः जो किसान हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वे देरी ना करें, वो तुरंत इस दिशा में आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, हमारे कृषकों को भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप कौन कौन सी प्रमुख जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पौधों की खेती करनी चाहिए, ये जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए ताकि अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। तराई व मैदानी क्षेत्रों के किसान लेमन ग्रास, सर्पगंधा, सतावर, कलिहारी, अश्वगंधा, चित्रक, हरड़, आंवला, बहेड़ा, गुलाब, पुदीना आदि की खेती कर सकते हैं। अब ये जो मध्य हिमालय का पहाड़ी इलाका है, वहां पे रहने वाले किसान रीठा, हरड़, बहेड़ा, रोजमेरी, सतावर, बड़ी इलायची की खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार मध्य हिमालय से लेकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों के कृषक कूट, जंबू, फरण, तिल, पुष्पी, काला जीरा, छिप्पी, विदेशी, गंदरायण, सतावर, अतीस, कुटकी, अकरकरा, बड़ी इलायची जैसी जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। किसानों को देखिए, मैं ये भी जानकारी दे दूं कि इन सभी प्रजातियों की बाजार में खूब मांग है और सीमित भूमि में भी ये अधिक लाभ देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये मान लिया जाए कि जो किसान भाई बहन हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वे जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, तो उन किसानों को इस खेती के लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? बीज, खाद, पौध, ये सब कहाँ से मिलेगी? वह जड़ी बूटियों की खेती की शुरुआत कैसे करें? बहुत जायज सवाल किया आपने। देखिए, उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है। इस हेतु सरकार ने राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को जड़ी बूटी, सगंध व औषधीय पादपों की खेती, संरक्षण, किसानों का प्रशिक्षण, पौधशालाओं, विभागीय समन्वयन, वित्त एवं विपणन जैसे कामों में किसानों को मदद करना है। जैसा कि मैंने पहले इसी रेडियो कार्यक्रम में बताया था कि जड़ी बूटी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर, सगंध पादप केंद्र सेलाकुई, वन विभाग, भेषज विकास संघ, वन विभाग आदि सहयोग करेंगे। अब मेरा सुझाव यह है कि किसान भाई बहन इन विभागों से सीधे संपर्क करें, देर ना करें, और जितनी जल्दी किसान जड़ी बूटियों की खेती प्रारंभ करेंगे उतनी ही जल्दी वे स्वावलंबी बनेंगे और अमीर होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका व किसान भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे श्रोताओं, आज हमने जाना कि जड़ी बूटी, सगंध व औषधीय पौधों की खेती किस प्रकार शुरू करें। आगामी श्रृंखलाओं में हम इसी से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए इस रेडियो श्रृंखला को लगातार सुनते रहिए। आप सभी श्रोताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी।
आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नकद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन हिमालया, CEE, 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो औषधीय प्रस्तुति।